आज होगी टोयोटा FJ40 की पार्ट टू वाली वीडियो। आज इसको मैं इतनी भयंकर तरीके से टेस्ट करने वाला हूँ, हैरान रह जाओगे। आज इसकी फाइट मैं जिमनी के साथ प्रॉपर तरीके से कराऊंगा, ऑफ रोड पे चलाऊंगा, रोड पे चलाऊंगा, हर जगह पर इसको चलाकर टेस्ट करने वाला हूँ। आज इसको मैं पानी में भी चलाने वाला हूँ और इसकी प्रॉपर तरीके से वाटर टेस्टिंग भी करूंगा। चलो गाइस लेट्स गो। सबसे पहले टोयोटा कार और जिमनी के बीच में कराते हैं। उससे पहले ये दोनों कार्स के जो रिमोट है काफी ज्यादा सिमिलर होते हैं गाइस। इनके अंदर बहुत ही अलग अलग तरीके के फीचर्स दिए जाते हैं। जैसे कि एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ये जिमनी का रिमोट है, इसके अंदर देखो यहाँ ऊपर की तरफ दो स्पेशल बटन मिलते हैं। इसको ऊपर कर दिया मैंने और इसको नीचे कर दिया। ये करने से इसकी जो सेटिंग्स है ना, ये पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। जैसे कि अब मैं ट्रिगर ऊपर कर रहा हूँ तो ये आगे जा रही है, ट्रिगर मैं नीचे कर रहा हूँ तो ये पीछे की तरफ आ रही है। इसका जो सिस्टम है अब चेंज हो चुका है और स्टीयरिंग भी देखो यार ये भी चेंज हो चुकी है। स्टीयरिंग को मैं लेफ्ट में टर्न कर रहा हूँ तो ये राइट में टर्न हो रही है। स्टीयरिंग को अगर मैं राइट को टर्न करना हूँ तो ये लेफ्ट को टर्न होने लगती है। इस तरीके से इसके अंदर बहुत अलग अलग तरीके के सेटिंग्स दिए गए। इस तरह से चलाने में जो है मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ। इसके पहले जैसे सेटिंग्स थी वैसे करके अभी मैं इसको चला के दिखाने वाला हूँ गाइस। तो देखो ये जिमनी जो है भाई काफी ज्यादा कमाल की कार है। इसको ऑफ रोडिंग हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करा सकते हैं। रोड के ऊपर तो भाई ये एकदम मस्त तरीके से चल सकती है। इसकी कंट्रोलिंग में इसको बिल्कुल थार जैसी लगती है। चलो अब रेस कराते हैं इन दोनों के बीच में। यहाँ पे दोनों बिल्कुल साइड बाई साइड चल रहे थे पर जिमनी थोड़ा सा आगे निकल गई है। टोयोटा के अंदर मैंने सेकंड गियर भी लगा दिया। टोयोटा धीरे धीरे करके आगे निकल चुकी है जिमनी से। अब ये टोयोटा की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ पे जिमनी भी पूरी कोशिश कर रही है इसको ओवरटेक करने के लिए, पर मेरे को नहीं लगता कि ये टोयोटा के आस पास भी पहुंच पाएगी क्योंकि इसके अंदर सेकंड गियर है। इस वजह से देखो सेकंड गियर डालते ही इसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है जिमनी के मुकाबले में। क्लियरली यहाँ पे टोयोटा FJ40 जीत चुकी है रेस को। अब बड़ी टोयोटा FJ40 की रेस कराते हैं छोटी टोयोटा FJ40 के साथ, देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। इनिशियल पिकअप छोटी टोयोटा FJ40 के अंदर ज्यादा था, पर जैसे ही मैंने फुल ट्रिगर प्रेस किया यहाँ पे बड़ी टोयोटा FJ40 बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है और एक राउंड लगा के भी वापस आ चुकी है। अब तक देखो यार ये मिनी टोयोटा FJ40 यहीं पे ही चल रही है। अब मैं आ चुका हूँ ऑफ रोड में, कराते हैं इन दोनों के बीच में रेस। देखते हैं WL टॉयज कार जीतती है या फिर टोयोटा RC कार जीतती है। यहाँ पे WL टॉयज ऑफ रोडर RC कार बहुत ज्यादा आगे निकल गई है क्योंकि गाइस ये एक सुपर फास्ट RC कार है। रोड पे जितने स्पीड से चल सकती है ऑफ रोड में उससे भी ज्यादा स्पीड से चल सकती है। अब इन दोनों के बीच में ऑफ रोडिंग में कराने वाला हूँ, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। यहाँ पे WL टॉयज की हालत खराब हो रखी है। ओ भाई इसको तो मैं यहाँ से लेके जाने की कोशिश कर रहा था पर ये तो पलट गई पूरी तरीके से। अब टोयोटा FJ40 को यहाँ पे चला के देखते हैं इसकी ऑफ रोडिंग कैसी है। ओ माय गॉड देखो यार कितनी आराम से चल रही है। अब आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे गिर चुकी है पर ये बिल्कुल भी गिरती नहीं है गाइस। इसका बैलेंस बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। जैसे ही मैंने वापस से ट्रिगर प्रेस किया है देखो ये वापस से चलने लगी है। इतनी ज्यादा खतरनाक ऑफ रोडिंग करने वाली कार मैं पहली बार चला रहा हूँ। अब इन दोनों की आमने सामने वाली फाइट कराते हैं, देखते हैं इन दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। बड़ी वाली टोयोटा FJ40 बहुत ज्यादा पावरफुल है ये छोटी टोयोटा के मुकाबले में। क्लियरली यार इसने तो चुटकी बजाते ही इसको हरा के फेंक दिया यहाँ पे। अब देखते हैं क्या जिमनी टोयोटा के सामने टिक पाएगी या फिर नहीं। यहाँ पे भी टोयोटा FJ40 ने इसको पहले ढकेल दिया था पीछे पर जिमनी भी कुछ कम है नहीं। देखो अब जिमनी ने इसको पूरी तरीके से रोक रखा है। यहाँ पे जिमनी पूरी पावर लगाकर इसको रोकने की कोशिश कर रही है पर टोयोटा FJ40 इससे भी ज्यादा पावरफुल निकली है। इसने भी फुल पावर बढ़ा दी है और इसको धीरे धीरे करके पीछे ढकेल रही है। अब जिमनी पूरी कोशिश कर रही है इसको रोकने के लिए पर मेरे को नहीं लगता कि जिमनी इसको रोक पाएगी क्योंकि ये एक भारी भरकम और काफी ज्यादा पावरफुल RC कार है। ठीक है अब कराते हैं तो गो फॉर, देखते हैं जिमनी अपनी हार का बदला ले पाती है या नहीं। यहाँ पे भी टोयोटा ने यार इसकी बैंड बजा दी है पूरी तरीके से। बहुत आराम से इसको घसीट के लेके जा रही है मिट्टी के अंदर। ये कार पूरी कोशिश कर रही है फुल पावर बढ़ाकर इसको रोकने के लिए पर टोयोटा FJ40 जीत चुकी है वापस से। ओके अब कराते हैं थोगो फोर, देखते हैं गाइस इस बार इन दोनों में से कौन जीतता है। मेरे को लगा था कि यार काफी ज्यादा टफ फाइट होगी दोनों के बीच में पर टोयोटा कार ने तो यार WL टॉयज की बैंड बजा दी है पूरी तरीके से। देखो गाइस इसको इतनी खतरनाक तरीके से घसीट के लेके जा रही है। यहाँ पे WL टॉयज कार इसके ऊपर मिट्टी फेंक कर इसको रोकने की पूरी कोशिश कर रही है पर ये हार चुकी है। यहाँ पे इसके ऊपर देखो यार कितनी ज्यादा धूल मिट्टी गिरी है। ओ माय गॉड इसके अंदर भी धूल मिट्टी घुस चुकी है। इसकी सीट्स के ऊपर देखो यार इतनी ज्यादा मिट्टी गिरी है। ओ भाई अब इसको पूरा क्लीन करना पड़ेगा मेरे को। इसके भी ऊपर देखो टोयोटा FJ40 ने बहुत मिट्टी फेंक दी है। तो साफ होगी एकदम खतरनाक वाली फाइट। ये दोनों कार्स को एक तरफ मैंने बांध दिया और टोयोटा FJ40 को दूसरी तरफ बांध दिया। देखते हैं अब यहाँ पे कौन जीतता है। मेरे को लगा था कि गाइस ये दोनों कार्स मिलकर इसको हरा देगी पर टोयोटा कार इन दोनों से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। दोनों कार्स पूरी कोशिश कर रही है इसको रोकने के लिए पर टोयोटा कार इसको बहुत ही
खतरनाक तरीके से मिट्टी के अंदर घसीट के लेके जा रही है। दोनों कार ने यहाँ पे ब्रेक्स भी लगा दिए, फिर भी टोयोटा कार ने इन दोनों को धूल चटा के रख दी है पूरी तरीके से। ओ माय गॉड, ये देखो यार, इतनी ज्यादा मिट्टी गिरी अपनी जिमनी के ऊपर और WL टॉयज कार के ऊपर भी। अब मैं वाटर प्रूफ टेस्ट करने वाला हूँ। पिछली बार जब मैंने ये दोनों कार्स को चलाया था पानी में तो ये दोनों कार्स पूरी तरीके से फंस गई थी यार। तो इस बार मैं यहाँ पे जिमनी और टोयोटा FJ40 को पानी के अंदर चलाने वाला हूँ। सबसे पहले टोयोटा कार को चलाते हैं, देखते हैं क्या ये पानी के अंदर से निकलती है या फिर फंस जाती है। यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा है, उससे ज्यादा कीचड़ है। देखो ऑलमोस्ट पूरी की पूरी कार जो है पानी के अंदर डूब चुकी है। ओ भाई, इसके इंटीरियर में भी पूरा का पूरा पानी घुस चुका, पीछे के डोर्स भी ओपन हो गए, इतना ज्यादा पानी है। इसकी सीट्स भी पूरी की पूरी भीग चुकी है। सामने देखते हैं यार, ओ माय गॉड, सामने भी देखो यार, इतना ज्यादा पानी निकल रहा है इसके अंदर से। फिर भी यार ये कार एकदम लाजवाब है, स्टीयरिंग एकदम परफेक्टली काम कर रही है, ये कार भी एकदम परफेक्टली चल रही है गाइस। मेरे को नहीं लगा था कि ये इतने गहरे पानी में से निकल जाएगी। वैसे तो मैंने जिमनी को बहुत बार पानी में चलाया है पर यहाँ पे आज बहुत ज्यादा पानी है गाइस। इससे पहले जिमनी आधी डूबी थी, आज देखो यार जिमनी पूरी की पूरी पानी में डूब के निकल भी चुकी है। ये कार भी एक कंप्लीट वाटर प्रूफ RC कार है टोयोटा FJ40 के जैसे। दोस्तों हम ऑफ रोड में रेस कराते हैं जिमनी वर्सेस टोयोटा FJ40 के बीच में, देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। यहाँ पे भी रोड के ऊपर जैसी हालत हुई थी जिमनी की, ऑफ रोड में भी वही हालत मेरे को लग रही है। क्लियरली यहाँ पे भी टोयोटा FJ40 ने ऑफ रोड रेस में भी हरा दिया है जिमनी को। इस FJ40 तो इसके ऊपर बहुत आराम से चढ़ सकती है, मेरे को ऐसा लग रहा है। अब जिमनी को चढ़ा के देखते हैं। ओ माय गॉड, जिमनी की भी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज काफी ज्यादा मस्त है यार। देखो बिना कोई दिक्कत के काफी आराम से ऊपर चढ़ चुकी है। अब ये मिनी FJ40 को ऊपर चढ़ा के देखते हैं। यार ये तो बिल्कुल भी ऊपर नहीं चढ़ पा रही है। ओ भाई, थोड़ा सा चढ़ के ये साइड में लुढ़क गई है। एक और बार मैं ये टोयोटा FJ40 को भी इसके ऊपर से चढ़ा के दिखा देता हूँ। देखो गाइस कितने मस्त तरीके से, कितने आराम से ये चढ़ रही है ऊपर की तरफ। यहाँ पे ऐसा लगेगा कि आपको गिर जाएगी पर इसकी बैलेंसिंग इतनी ज्यादा मस्त है कि यार थोड़ा सा ट्रिगर मैंने दिया है, ये अपने आप को सही कर चुकी है। अब वेट पुल टेस्ट करते हैं गाइस। यहाँ पीछे की तरफ देखो, मैंने इसके ऊपर 6 ईंटें रख दी है। ये एक एक ईंट 2 kg की है। जिमनी को चला के देखते हैं। यार जिमनी तो बिल्कुल भी इतना ज्यादा वेट नहीं खींच पा रही है, इसको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ग्रिप नहीं मिल पा रही थी, इस वजह से गाइस मेरे को नहीं लगता ये खींच पाएगी इतना ढेर सारा वेट। अब सेम टेस्ट WL टॉयज कार के साथ भी करके देखते हैं। WL टॉयज कार को भी ग्रिप नहीं मिल पा रही है और इसकी मोटर इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि गाइस इतना ढेर सारा वेट ये खींच सके। ये भी कार फ्लॉप हो चुकी है वेट खींचने के मामले में। अब ये टोयोटा कार के पीछे देखो यार, मैंने 10 ईंटें रख दी है। ये एक एक ईंट 2 kg की है गाइस, इसका मतलब ये कि यहाँ पे 20 kg का वेट है। टोयोटा FJ40 बहुत आराम से इतना ज्यादा वेट भी लेके जा सकती है, सच में यार इसकी मोटर बहुत ज्यादा पावरफुल है। क्लाइंबिंग टेस्ट करते हैं गाइस। ये देखो इसका एंगल जो है 60 डिग्री का एंगल है यार, यानी कि भाई साहब काफी ज्यादा ऊंची चढ़ाई है। देखते हैं गाइस, ये एकदम स्मूथ सरफेस है, टोयोटा FJ40 ऊपर चढ़ पाएगी या फिर नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिगर मैंने ज्यादा दे दिया था, इसलिए पलट के नीचे आने की कोशिश कर रही थी। फिर जैसे ही मैंने ट्रिगर थोड़ा देना स्टार्ट किया, ये देखो टोयोटा FJ40 काफी आराम से ऊपर चढ़ चुकी है क्योंकि इसके व्हील्स के ऊपर ग्रिप कमाल की दी गई। अब सेम टेस्ट जिमनी के साथ भी करके देखते हैं गाइस, ये ऊपर चढ़ पाती है या नहीं। अभी फुल ट्रिगर मैंने जैसे दिया है, ये ऊपर तो चढ़ रही है पर देखो थोड़ा सा फिसल रही है, वापस से नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रही है। ओ भाई, मेरे को नहीं लगता जिमनी ऊपर चढ़ पाएगी। अब WL टॉयज कार के साथ भी सेम टेस्ट करके देखते हैं। ये कार तो यार बिल्कुल भी ऊपर नहीं चढ़ पा रही है, जैसे ही मैं इसको जबरदस्ती ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं तो देखो ये पलट के वापस से नीचे गिरने लग रही है। अब टोयोटा FJ40 का नेक्स्ट लेवल वाला टेस्ट मैं करूंगा गाइस। यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियां हैं, ऊपर मैंने टोयोटा FJ40 को रख दिया है, अब कार को नीचे उतारेंगे गाइस। यहाँ पे इसका टफनेस टेस्ट भी हो जाएगा साथ में। ये देखो एक एक करके सीढ़ियों पे से मैं उतारता हूँ, एक एक सीढ़ी में जैसे ही उतार रहा हूँ किस तरह की खटखट की आवाज आ रही है क्योंकि यार इसका बंपर नीचे टकरा रहा है। ओ भाई, मेरे को लगा था कि ये लुढ़क के नीचे आ जाएगी पर आराम से इसने सारी की सारी सीढ़ियों पे से नीचे आ चुकी है यार, बहुत ज्यादा टफ कार है। अब जिमनी को नीचे उतारते हैं दोस्तों। ओ भाई, जिमनी देखो यार काफी आराम से नीचे आ रही है। मेरे को लगा था कि ये कार भी पलट के नीचे गिर जाएगी पर इसने भी कर लिया यार, बहुत आराम से नीचे आ चुकी है जिमनी भी। एक्चुअल में टोयोटा FJ40 कार ऑफ रोडिंग कराने के लिए ही बनाई गई थी पर मैंने इसके साथ स्पीड टेस्ट भी करके देखा है, टफनेस टेस्ट भी करके देखा है, वाटर प्रूफ टेस्ट भी करके देखा है और तो ऑफ रोड में तो यार मैंने इसको इतने खतरनाक तरीके से चलाया था कि मेरे को लगा था कि ये टूट जाएगी पर गाइस ये कार बहुत ही ज्यादा टफ है। एक्चुअल में ये कार एक जंगल सफारी कार भी है। देखो यार कितने मस्त तरीके से ये चल रही है, ऐसा लग रहा है कि यार मैं खुद ये कार के अंदर बैठकर जंगल सफारी कर रहा हूं। यहां पे इतनी बड़ी बड़ी घास के अंदर से भी ये कार बहुत ज्यादा परफेक्टली चल रही थी। और इसके अंदर मैंने क्लाइंबिंग टेस्ट भी करके देखा है, यहाँ पे बहुत बड़ी क्लाइंबिंग है। देखो यार मिट्टी का
बड़ा पहाड़ है। इसके ऊपर से चढ़ाते समय मेरे को ऐसा लगा था कि कार पलट जाएगी, पर ये बिल्कुल भी पलटी नहीं यार। इसका बैलेंसिंग भी बहुत ज्यादा कमाल का है। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये कार कैसी लगी। चलो अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। पहला नाम है सुमन सिंह, हबीब, आर्यन, मुबीन, कार्तिक, अथर्वा, सुनील नाग, राकेश, मंदीप, तन्वीर। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।